अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको 30s में अपनी स्किन का कैसे ध्यान करना है। व्हाट आर यू गोना डू, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, क्योंकि हर डेकेड के साथ आपका स्किन केयर थोड़ा सा चेंज होता है। इवन दो आई डू नॉट बिलीव कि आपका स्किन केयर का ताल्लुक सिर्फ एज से है, बल्कि उसका ताल्लुक इस चीज़ से भी है कि आपकी टाइप क्या है, आपकी जेनेटिक्स क्या हैं, आपकी स्किन का फिट्ज़पैट्रिक स्केल क्या है। लेकिन देर आर ऑलवेज सम जनरल गाइडलाइंस जो कि आपकी स्किन को एक डेकेड से अगली डेकेड में लेके जाती हैं। और आज की डेकेड है ऑल अबाउट स्किन केयर इन योर 30s। 30s में आपने अपनी स्किन का कैसे ध्यान करना है, आइए आज देखते हैं। जब हम 30 साल की एज को पहुंचते हैं, व्हेन वी रीच आवर 30s, तो हमें ये लगता है कि सबसे पहले जो चीज़ ख़त्म होगी वो है एक्नी। बिकॉज ओह थैंक गॉड, हम टीन से बाहर हैं, हम अपने 20s से बाहर हैं और अब एक्नी हमें कभी नहीं होगी, राइट? एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं होता। एक्नी जो है दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। और 30s में भी अगर आप रियलाइज़ करते हैं कि आपको एक्नी हो रही है, तो आप समझ जाइए कि ये वो हॉर्मोनल एक्नी है जिसको आपने अपनी लाइफ में बैलेंस करना है, उसको मैनेज करना है। एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ जिसको आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, और उसको इस तरीके से केमिकल एक्सफोलिएशन से और डबल क्लेंजिंग से ख़त्म करना है कि व्हेनेवर यू गेट एक्ने यू विल से डोंट वरी, आई गॉट इट, आई एम अ बॉस और मुझे पता है कि मुझे इसके बारे में क्या करना है। तो आई एम गोना टीच यू कि आपको 30s में अपनी स्किन को किस तरह से एक्ने से बचाना है और किस तरह से आपने अपनी स्किन का ध्यान करना है। सो 30s के स्किन केयर की सबसे ख़ास बात यह है कि जैसे आप 30s में जाते हैं तो आपकी स्किन जो है वो अपनी इलास्टिसिटी लूज़ करना शुरू कर देती है, क्योंकि द कोलाजन प्रोडक्शन स्टार्ट स्लोइंग डाउन एंड नाउ इज़ द टाइम टू इनकरेज योर स्किन टू प्रोड्यूस कोलाजन। और जब हम सोचते हैं कोलाजन बनाने का, तो हम क्या सोचते हैं? कोलाजन पीने का। ये एक बिल्कुल ऐसी रेमेडी है जो कि अभी तक प्रूव नहीं हो सकी। और अगर आपको कोलाजन अपनी बॉडी में बनाना है, तो उसके लिए आपको सर्टेन एंटीऑक्सीडेंट्स को अपनी डाइट में शामिल करना है, क्योंकि हमारी स्किन कैसी दिखती है इसका बहुत बड़ा ताल्लुक इस चीज़ से है कि हम डेली बेसिस पे अपनी डाइट में क्या खाते हैं। एंड द नंबर वन सुपर फूड जो कि आपकी बॉडी में कोलाजन बनाता है वो क्या है? जी नहीं, वो कोलाजन बनाने के लिए कोलाजन पाउडर नहीं है, बल्कि ऑरेंजेस हैं। अगर आप ऑरेंज जूस और खाने वाले ऑरेंजेस अपनी डाइट में शामिल करेंगे, दैट इज़ गोइंग टू इंड्यूस योर बॉडी टू प्रोड्यूस मोर कोलाजन। द एंटीऑक्सीडेंट्स इन ऑरेंज एंड अदर एंटीऑक्सीडेंट कंटेनिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर गोइंग टू इंड्यूस कोलाजन प्रोडक्शन इन योर स्किन। तो अपनी डाइट में फल और सब्जी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, स्पेशली ऑरेंजेस का। वाइटमिन सी को आप डिफरेंट फॉर्म्स में लें, इट इज़ एन एब्सोल्यूट मस्ट। So many of the typical issues that we face in 30s include loss of collagen, hormonal acne, fine lines आनी शुरू हो जाती हैं, especially आँखों के नीचे hyperpigmentation होती है, skin जो है वो combination skin बन जाती है और skin dull होना शुरू हो जाती है, dry होना शुरू हो जाती है, because dead skin cells जो हैं वो आपकी skin के ऊपर जमा होने शुरू हो जाते हैं और आप कहते हैं मेरी skin पहले तो बिल्कुल ठीक थी, एकदम से इसको क्या हो गया है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक स्किन केयर के ऊपर। इफ यू आर अ वेरी सिंपल पर्सन, आप एक बहुत ही सिंपल खातून हैं या हजरत हैं जो कि ये चाहते हैं कि आपकी स्किन की रूटीन बहुत सिंपल रहे, तो डोंट वरी, मैं आपको 3 सिंपल स्टेप्स बताऊंगी जिससे आपकी स्किन का 70-80% एसेंशियल केयर हो जाएगा। और अगर आप थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल के या एडवांस लेवल के स्किन केयर गुरु हैं, तो फिर मैं आपको आपके लिए एक एडवांस रूटीन दूंगी। तो पहले हम बात करते हैं फॉर अ बेसिक स्किन केयर रूटीन इन योर 30s, क्या करना है और क्या बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना है। लेट्स लुक एट बोथ। जी, तो पहले बात करते हैं कि हमें क्या करना है, हमें करना क्या है। अगर आप 30s में हैं और आप अभी तक सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हैं, तो नाउ इज़ द टाइम कि आप सनस्क्रीन को अपनी लाइफ में शामिल करें। रिमेंबर कि सनस्क्रीन आपको तब भी लगानी है अगर आप अपने घर पर बैठी हैं या बैठे हैं, और अगर आपको सन रेज या रोशनी धूप किसी भी किस्म की आपके घर में आ रही है, तो आपको सनस्क्रीन लगानी मस्ट है, और वो सुबह उठते साथ आपने लगानी है। आपने इस चीज़ का वेट नहीं करना कि आप घर से बाहर निकलें या घर से बाहर जाएं। सनस्क्रीन इज़ एन एब्सोल्यूट मस्ट एवरी डे ऑफ द ईयर एंड एवरी डे ऑफ द वीक, और आपको तब तक लगानी है जब तक कि सनसेट नहीं हो जाता। यू हैव टू कीप रीअप्लाइंग इट 2-3 आवर्स। अगर आप बाहर जा रहे हैं धूप में, तो आपकी सनस्क्रीन ज़्यादा जल्दी ब्रेक डाउन हो जाती है, और अगर आप घर में रहें, तो
तो आप उस दौरानिए को और उस ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं जिसमें आप अपनी सनस्क्रीन लगाते हैं, और आप 2 से 3 घंटे में लगाने की बजाय 4 घंटे में भी अपनी रीएप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप SPF 30 से ऊपर लगा रहे हैं, और ये भी मेक श्योर करें कि यू आर रीअप्लाइंग इट एवरी 2 to 3 आवर्स। आप सनस्क्रीन लगानी कौन सी चाहिए, बेहतरीन सनस्क्रीन कौन सी है, अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ये पूछेंगे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी कुछ फेवरेट सनस्क्रीन्स के नाम आपके लिए छोड़ दूंगी, और आपको एक पूरी पोस्ट का लिंक भी छोड़ दूंगी जिसमें आपको इसका कंप्लीट राइटअप मिल जाए मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर। बट लेट्स डिस्कस कि सनस्क्रीन सही कौन सी है और गलत कौन सी है। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप जो सनस्क्रीन लगा रहे हैं वो करेक्ट सनस्क्रीन है भी या नहीं है। सो आइए मैं आपको समझाऊँ कि डिफरेंस क्या है बिटवीन अ गुड सनस्क्रीन एंड अ बैड सनस्क्रीन, फिजिकल सनस्क्रीन, केमिकल सनस्क्रीन, और आपको कौन सी लगानी चाहिए, और अगर वो आपको नहीं मिल रही तो फिर आपको क्या करना है। जी, तो सनस्क्रीन दो टाइप की होती हैं, एक होती है फिजिकल सनस्क्रीन और एक होती है केमिकल सनस्क्रीन। लेट्स सी कि फिजिकल और केमिकल सनस्क्रीन में क्या फ़र्क है। फिजिकल सनस्क्रीन ऐसी सनस्क्रीन है जो कि आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर लगा देती है एंड देन इट रिफ्लेक्ट्स यूवीए यूवीबी रेज। फिजिकल सनस्क्रीन ऐसी सनस्क्रीन है विच क्रिएट्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन टॉप ऑफ योर स्किन एंड देन इट रिफ्लेक्ट्स यूवीए यूवीबी रेज, इट स्कैटर्स यूवीए यूवीबी रेज एंड इट डज नॉट एब्जॉर्ब इन योर ब्लड स्ट्रीम। ऑन द अदर हैंड, केमिकल सनस्क्रीन ऐसी सनस्क्रीन होती है जो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है, और एब्जॉर्ब होने के बाद आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम यूवीए यूवीबी रेज। तो इनमें से कौन सी सनस्क्रीन बेहतर है? तो पहली बात तो ये है कि कोई भी सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। अगर आपको फिजिकल सनस्क्रीन नहीं मिलती तो आप केमिकल सनस्क्रीन लगाइए, लेकिन कोई ना कोई सनस्क्रीन आपको ज़रूर लगानी है। दूसरी बात यह है कि आपके लिए कौन सी बेहतर है। बेहतर सनस्क्रीन थोड़ी सी फिजिकल है, इसलिए क्योंकि फिजिकल सनस्क्रीन आपकी ब्लड स्ट्रीम में और आपकी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होती, एक बैरियर की तरह काम करती है, इस वजह से ये आपके लिए थोड़ी सी बेहतर है एज कम्पेयर टू अ केमिकल सनस्क्रीन। बिकॉज इन सर्टेन स्किन टाइप्स केमिकल सनस्क्रीन मे ऑल्सो ट्रिगर पिगमेंटेशन, बट अगेन एज आई सेड बिफोर, एनी सनस्क्रीन इज बेटर देन नो सनस्क्रीन। तो अगर आपको फिजिकल सनस्क्रीन नहीं मिल रही तो आप केमिकल सनस्क्रीन लगा लीजिए। 30s में आपको एक ज़रूरत है कि आप एक टारगेटेड क्लेंजर इस्तेमाल करें। इससे पहले आप किसी भी चीज़ से अपना मुंह धो सकते थे, लेकिन अब आपको मेक श्योर करना है कि आप एक टारगेटेड क्लेंजर इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि जैसे आप अपने 30s में एंटर होंगे, आपको पता लगेगा कि आपकी स्किन हल्की हल्की कॉम्बिनेशन होनी शुरू हो गई है। जैसे कि अगर पहले बहुत ऑयली थी तो अब आपको लगेगा कि नहीं, थोड़ा सा इसमें कॉम्बिनेशन आना शुरू हो गया है, और उसकी वजह है अगेन हॉर्मोन्स जो हैं उनकी तब्दीली और हमारी स्किन के सेल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा स्लो डाउन होना। तो ऐसे में एक टारगेटेड क्लेंजर जो है वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा एज कम्पेयर टू अ जनरल क्लेंजर या फिर मुंह धोने वाला एक आम सा साबुन जिसको आपने कभी भी अपने चेहरे पर इस्तेमाल नहीं करना। तो गेट अ गुड फेस वॉश, और उस फेस वॉश में आपने एक बात याद रखनी है कि जो भी फेस वॉश आप इस्तेमाल करें उसमें झाग नहीं बननी चाहिए। झाग बनाना ज़रूरी नहीं है, जिस तरह से टूथपेस्ट में झाग ज़रूरी नहीं है, उसी तरह से शैम्पू में झाग ज़रूरी नहीं है, और उसी तरह से आपके फेस वॉश में भी झाग ज़रूरी नहीं है। मगर जब हम झाग वाली ये चीज़ें लेते हैं तो हमें लगता है कि हमने शायद कोई बहुत ज़्यादा सफाई कर ली है, और बहुत क्लीनलीनेस की स्क्वीकी क्लीन फीलिंग आती है। राइट रॉन्ग, कभी भी उस स्क्वीकी फीलिंग की तरफ मत जाएं कि जब तक स्किन जो है वो रगड़ के स्क्वीक जैसी फीलिंग ना आए तब तक आप रगड़ते रहेंगे या खूब झाग वाला साबुन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये जो स्क्वीक की आवाज़ होती है ये आपकी स्किन चीख रही होती है कि खुदा के वास्ते मुझ पे इतना जुल्म मत करें। सो आपने क्या करना है, आपने एक ऐसा जेंटल क्लेंजर लेना है जो कि फोम नहीं करता, झाग नहीं बनाता, बहुत ज़्यादा माइल्ड है, और उससे आपने अपने फेस को वॉश करना है। और अगर आपको एक्नी है तो आपने एक्नी की तरफ टारगेट करना है। अगर आपको फील हो रहा है कि आपको पिगमेंटेशन ज़्यादा है तो आपने पिगमेंटेशन की तरफ टारगेट करना है। तो बेसिकली आपने अपने कंसर्न्स को अपने फेशियल क्लेंजर से टारगेट करना है अगर आप एक सिंपल 3-step रूटीन रखना चाहते हैं और आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपनी लाइफ में शामिल नहीं करना चाहते तो। जी, एक और चीज़ जो कि 30s के लिए मैं रेकमेंड करूँगी, आप उसको बोनस समझ लीजिए, वो बेसिकली है कि इन एडिशन टू एन एंटी ऑक्सीडेंट ट्रीटमेंट
आप अपनी स्किन केयर में एक रेटिनॉल भी शामिल कर लीजिए. रेटिनॉल प्रोडक्ट जो है, जिसे हम विटामिन ए भी कहते हैं, इट इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट्स, और ये रिंकल्स को प्रिवेंट करता है. एंड दिस इज समथिंग कि अगर आप 30s में हैं तो आप हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं. उसकी बहुत ही माइल्ड क्वांटिटी लीजिए, बिकॉज रेटिनॉल के बारे में एक बात याद रखिए, लेस इज मोर, लेस परसेंटेज इज मोर. और आपको एक छोटी स्ट्रेंथ को कंसिस्टेंटली इस्तेमाल करना है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. आप ये ना कीजिएगा कि जैसे ही आप रेटिनॉल लगाने का सोचें आप 5% स्ट्रेंथ ले लें या 2% स्ट्रेंथ ले लें. हमेशा 0.025% से स्टार्ट करें, उसको इनकॉर्पोरेट करें अपनी रूटीन में. मेरी यूट्यूब वीडियो देखें जिसमें मैंने रेटिनॉल इस्तेमाल करने का तरीका बताया है, उसका लिंक मैं नीचे छोड़ देती हूँ. आप उसको देखिए और वहाँ से समझिए कि रेटिनॉल कैसे इस्तेमाल करना है. बट अगर आप अपने 30s में हैं तो आप हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा रेटिनॉल इस्तेमाल कर सकती हैं अपनी रूटीन में, और उससे आप विद इन 5 years और 6 years देखेंगे कि आपकी स्किन कंसिस्टेंटली कम रिंकल्स आपकी आंखों में, आंखों के गिरद आएंगे, आपके फेस पे कम रिंकल्स आएंगे, आपका पोर साइज छोटा लगेगा. रेटिनॉल इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर एंटी एजिंग. बट अगर आप रात को रेटिनॉल लगाते हैं और दिन में आप सनस्क्रीन नहीं इस्तेमाल करते, तो दिस इज गोइंग टू बैकफायर इन अ मेजर मेजर वे, बिकॉज रेटिनॉल क्रिएट्स फोटो सेंसिटिविटी. एंड फोटो सेंसिटिविटी मीन्स कि अगर आपने सनस्क्रीन नहीं लगाई तो आपकी स्किन पहले से बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगी. यहाँ पे मैं एक बात और कहती चलूँ कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, या लैक्टेटिंग मदर हैं, बच्चे को दूध पिला रही हैं, या आपको कोई भी और स्पेशल कंडीशन है, तो आप रेटिनॉल इस्तेमाल नहीं कर सकती. और हमेशा अपने डॉक्टर से एडवाइस लेके आपने रेटिनॉल को अपनी रूटीन में शामिल करना है. जी, तो ये तो हो गई ऐसी रूटीन जो कि अगर आप एक बेसिक स्किन केयर यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको शामिल कर सकते हैं. अलबत्ता अगर आप एडवांस लेवल के ऊपर हैं और आप कहते हैं कि ये सब कुछ तो मैं करती हूँ, मुझे कुछ नया बताइए, मुझे कुछ और बताइए, तो मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप जो मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करती हैं अपनी रूटीन में, मेक श्योर इट इज़ अ पावर हाउस मॉइस्चराइज़र. ऐसा मॉइस्चराइज़र लीजिए जिसमें या तो नाइसिनमाइड हो या फिर उसके अंदर सेरामाइड्स हों, बिकॉज जो सेरामाइड्स हैं दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर स्किन. मॉइस्चराइज़र देखते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल हो, फैटी एसिड्स हों, सेरामाइड्स हों, वो सारी चीज़ें हों जो आपकी स्किन के बैरियर को बिल्डअप कर सकें. सो इस बात का आपने बहुत ध्यान करना है अगर आप एडवांस लेवल पे अपना स्किन केयर जारी करना चाहते हैं. एडवांस स्किन केयर के लिए मेरे पास एक और टिप है, और वो है बेसिकली मास्क. आप ये समझ लीजिए कि 15 साल से हॉर्मोन्स जो हैं दे आर पुशिंग ऑयल आउट ऑफ योर स्किन, और जैसे ही वो ऑयल आपकी स्किन से बाहर पुश कर रहे हैं, उसी तरह से आपके जो पोर्स हैं वो वाइडन हो जाते हैं, एंड दे बिकम अ कलेक्टिंग प्लेस फॉर डेड स्किन सेल्स, फॉर ब्लैक हेड्स, फॉर बैक्टीरिया, फॉर ओपन पोर्स. तो उसको थोड़ा सा कम करने के लिए हमें ये चाहिए कि हम ऐसा फेस मास्क इस्तेमाल करें हफ्ते में 1 दफ़ा, जो कि हमारे इन कंसर्न्स को टारगेट करें. अब ऐसे मास्क कौन से हो सकते हैं? ये मास्क ऐसे हो सकते हैं जिनमें सैलिसिलिक एसिड 2% हो, जैसे कि दी ऑर्डिनरी कंपनी का 2% सैलिसिलिक एसिड, या फिर एवोकाडो रेटिनॉल स्लीपिंग मास्क जिसमें रेटिनॉल की क्वांटिटी शामिल हो, ताकि ये आपकी स्किन पे जाके आपके पोर साइज को छोटा कर सके और आपकी स्किन को अनक्लॉक कर सके, डीक्लॉक कर सके. जी, तो ये थी थोड़ी सी टिप्स अबाउट स्किन केयर इन योर 30s. आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी. प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं अगर आपको इसकी रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स चाहिए, और मैं उनके डिस्क्रिप्शन लिंक्स नीचे छोड़ दूंगी. और अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं अबाउट स्किन केयर इन 30s, सो प्लीज़ लीव देम इन द कमेंट्स बिलो. एंड व्हाट आई विल डू इज़ आई विल लुक एट देम, और अगर इफ़ दे रिक्वायर अनदर वीडियो देन आई विल मेक अनदर वीडियो अबाउट स्किन केयर इन 30s. सो कम इन कमेंट्स बिलो, टेल मी व्हाट यू वुड लाइक टू सी और हियर नेक्स्ट अबाउट स्किन केयर इन 30s, 40s, 50s, एनी एज ग्रुप. And I will try to address your concerns in my next video. So, tab tak ke liye, please subscribe and make sure that you are notified every time I launch a new video. So, goodbye.